राम राम जी सारे नो पुलिस सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे पे एमडी रिजल्ट के बारे में। तो भाई आप सभी को पता ही होगा कि अब की बार जो रिजल्ट आया है, ठीक है, सभी के रिजल्ट आ चुके लगभग। तो भाई इतना खराब रिजल्ट आया अब की बार, मतलब जो स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग, ठीक है, तो इतना खराब रिजल्ट दिया यूनिवर्सिटी ने कि भाई बच्चे मतलब इस चीज़ को ना एक्सेप्ट कर रहे कि हमारा रिजल्ट ऐसा आ सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने भाई 80-80 का पेपर किया या मतलब की बार NE5 का हिसाब से पेपर किया है, तो उनका क्या किया है कि उनको मतलब 10-10, 20-20 नंबर दे रखे, उनको रीअपीयर दे रखा। कुछ बच्चों ने मतलब एक्यूरेट पर्सन भी क्वेश्चन कर रखे हैं, एक्यूरेट आंसर दे रखे हैं, उनको भी यही हाल कर रखा है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं भाई जिनको चलो ठीक है वो पास हो रखे हैं, वो कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। और भाई कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो मतलब भाई ठीक है उनने पेपर ठीक ठाक किया था, वो पास हो गए, वो ये नहीं बोल कि भाई ठीक है एमडी ने गलत रिजल्ट दिया, लेकिन भाई जिन बच्चों ने एक्चुअल में सही पेपर किया था उनको री आ गई या फेल कर दी गई। तो ये वीडियो उनके लिए है कि आपको अगर ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है, तो आपके पास अभी तीन ऑप्शन है, रिजल्ट अभी आया तो रिजल्ट के 20 दिन तक आप तीन ऑप्शन कर सकते हैं। या तो आप RTA लगा दो, रीचेकिंग कर दो, रिवोल्यूशन कर दो, ठीक है। रीचेकिंग करने का कोई फायदा नहीं है भाई, आपको मैं पहले बता दूं, रीचेकिंग में सिर्फ आपके नंबर काउंट किए जाते हैं कि ठीक है फीस सेम रहती है आपकी, आपके नंबर काउंट किए जाएंगे कैसे कि आपको मतलब एक क्वेश्चन में इतने नंबर दिए, दूसरे में इतने, तीसरे में, बस वो जोड़ देंगे एक बार कितने कितने दे रखे हैं, और वो जोड़ के अगर सेम एज इट इज रिजल्ट रहेगा तो वो ऐसा कैसा आपको दे देंगे। तो उसके बाद है रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन में आपका क्या रहेगा कि आपका जो पेपर है वो दोबारा से चेक करेंगे, दोबारा से चेक करने के बाद उसके नंबर आएंगे जितने वो आपके चढ़ा दिए जाएंगे, ठीक है। तो रीचेकिंग से अच्छा कि आप रिवोल्यूशन कर लो, ठीक है। इनमें आपका 3 महीने का टाइम लगता है, आप यूनिवर्सिटी में पता कर सकते हो, उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि इस प्रोसेस में आपके 3 महीने लगेंगे आपका रिजल्ट अपडेट होने तक में, ठीक है। तब 3 महीने तक आपका नया सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं आपके RTI की। तो RTI अगर आपको लगानी है तो इसमें आपकी बहुत फास्ट, आप बहुत जल्दी ही आपका काम बन जाता है। इसमें आपके 20 से 25 दिन तक आपकी जो आंसर शीट है वो आ जाएगी। इसकी फीस भी कम है, 100 रुपये इसकी फीस होती है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है कि आपकी मतलब जो आंसर शीट है वो आपके घर पे आ जाएगी, उसके बाद आप खुद चेक कर सकते हो या किसी टीचर को दिखा दो कि सर मेरे इतने नंबर आए हैं, अगर इसमें नंबर बढ़ सकते तो बता। अगर वो टीचर कहता है कि आपके नंबर बढ़ सकते तो आप MDU में जाओ, एक अपनी एप्लीकेशन लिखो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के नाम और उनको बोलो कि ऐसे ऐसे मतलब मेरे नंबर है वो कम दिए गए हैं, उसके बाद आपका जो पेपर हो दोबारा से चेक होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे भी आपका पेपर चेक होगा उसके बाद अगर आपके नंबर बढ़ते हैं तो आपके नंबर बढ़ा दिए जाते हैं। तो आज की वीडियो में यही बताना था कि जिसका भी रिजल्ट खराब आया या फेल कर दिए गए हो तो आप भाई एक बार ये चीजें आप करके देख लेना, आप या RTI लगा दो या फिर रिवोल्यूशन कर लो, ये दो चीजें करके आप ट्राई कर सकते हो। नहीं तो भाई आखिरी ऑप्शन आपको रीअपीयर का फॉर्म भर के रीअपीयर का पेपर देने का ही होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, अगर आपका कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर दियो, उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। तो मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम।